बड़ी बैटिंग करी थी, लेकिन अभी बल्ला रुके हुए। ये शॉट रहेगा और जहीर कालिया को पहला छक्का स्टेडियम के छत के ऊपर से गिरा है बाहर जाके, बेहतरीन आगाज यहां पे मैं कहूंगा, पहला छक्का आ चुका है। काफी शानदार शॉट है, हेलीकॉप्टर निकला है यहां पर जगत एयरलाइंस। देखिए जरूर कलिया कलाइयों में कितनी पावर होगी इनके। कौन है कृष्णा? टॉस जीता है, पहले बैटिंग के लिए जा रहे हैं, बॉलिंग के लिए जा रहे हैं। क्या सोच क्या पहले बॉलिंग के लिए जा रहे हैं? अच्छा टीम है, प्रेशर मैच है, तो हम टारगेट देना पसंद करेंगे अपोजिट। जो मतलब क्या पहले बॉलिंग करके कम टोटल पे आउट करना चाह रहे हैं पाक एमडब्ल्यूआई को? कम टोटल पे रखना चाहेंगे क्योंकि टीम भी अच्छा है और पूरा इंडिया पाकिस्तान ये मैच देख रहा है, प्रेशर भी ज्यादा है, बहुत मजा आने वाला है ये मैच। ये बॉल का ये इतना बड़ा शानदार इवेंट है और पहला बॉल डिलीवर करने के लिए आ रहे थे आप, और ये पहली बॉल पे ही जो है थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद थे, एक रन आने का आसानी। यहाँ पर आए हैं असद शाह और सरमद हमीद। सरमद हमीद ने पिछले मैच में 90 रन किए थे 28 गेंदों में, काफी शानदार रहे हैं। सलामी गेंदबाजी खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला जरूर, और यहाँ पे सिर्फ एक रन मिलेगा। अनुराग जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली धमाका नाम की जो लोकल टीम है इंडिया में, उनसे ये टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं। देखना होगा इस बड़े स्टेज में किस तरीके से प्रेशर अब्सॉर्ब करते हैं। बड़ी शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर ब्लॉक होल में गेंद, बिल्कुल काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अनुराग के जानिब, काफी डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं बिल्कुल स्लॉट में। ये भी डिविलियर है जिस अंदाज से उनको 360 कहा जाता है, तो सेम एज इट इज ये भी जहां चाहे बॉल फेंक सकते हैं, सलाहियत रखते हैं। ये साथ रहेगा और पहला छक्का सच्चा के बल्ले से आया है, बेहतरीन पैगाम। काफी 22 फॉर नो लॉस, लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर, ही ट्राइज टू गो बिग, अ हैंडसम कनेक्शन एंड दैट्स गॉन ओवर द बाउंड्री रन फॉर अ मैक्सिमम, व्हाट अ गुड फिनिश कमिंग। प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अभी सेमीफाइनल में आप इसे बिल्कुल ही एक एग्जीबिशन गेम की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टीम को आज देखना पड़ेगा कि ये मैच किसके नाम जाएगा। आसिम बड़ी हिट यहां पर, असद आ चुके हैं शारजा में इसकी वजह से 37 विदाउट लॉस। फुल टॉस चांस ओवर द रोप्स मैक्सिमम, ये सरमद हमीद दीपाल है तो उसको प्रॉपर छोड़ कर कंप्लीटली तेज बॉल क्रिकेट के अंदर अपना फोकस रखा हुआ है। अच्छी गेंद, काफी शानदार गेंद जिसे ऑफ साइड पे कट करना चाहते थे, बिल्कुल चूके उस समय। है अभी दूसरा ओवर जारी है, तीसरा ओवर जारी है, तो हमारे साथ जुड़ चुका है। बड़ी हिट और इसे शारजा से बाहर फेंक दिया है सरमद हमीद ने, चल रहा है शारजा स्टेडियम में। ये शॉट रहेगा सच्चा और बेहतरीन कैच लिया गया है, विकेट नंबर फर्स्ट हैज बीन डन, पहला खिलाड़ी लोटा चला है। शुरू लिया है उनकी तरफ से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी है, ये शॉट रहेगा लेकिन फील्डर इसको रोक नहीं सकेंगे, आई थिंक बंटी पटेल से फील्डर। सो पहली बॉल और इसे खेल दिया है, फिजाई हमले शुरू हसन पेंडा के बल्ले से। ये पहली ऑब्वियसली आपने सही कहा है, एक फिर से अंकुर तैयार, ये तारीफ करूंगा यहां पे मैं, बहुत उम्दा बॉल कम बैक किया है अच्छे तरीके से, बेहतरीन थ्रो भी बैकअप जरूर मौजूद था और बल्ला ऐसा चला के शॉट रहेगा और बिल्कुल बाल रुड़कता हुआ बाउंड्री लाइन के पास, लेकिन फील करेंगे एक रन बा आसानी जो है पाकिस्तान टीम के टोटल में पहुंचेगा। शानदार यहां पे माहौल, जब भी आप देखते हैं ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन एक क्रिकेट फील्ड में, एक अलग ही जज्बा पैदा हो जाता है। शाकिर क्रिकेट को टोटल पर नजर डाले तो ये साथ रहेगा, आप अगर इस तरह का बॉल करेंगे तो फिर ऑब्वियसली नाराज कुछ पैगामी मिलने वाला है। बॉल आपने सही कहा है,
और ये साथ रहेगा और बिल्कुल यहाँ पे बिल्डर सिर्फ देख सकेंगे, रोक नहीं सकेंगे, एक बेहतरीन चौका यहाँ पे हसन पेटा के बल्ले से ये इस स्टेडियम में। हसन पेंडा इस दफा थर्ड मैन की जानिब जाएगा, फील्डर मौजूद हैं, सिंगल बा आसानी ही ओवर मैं कहूंगा कि अच्छा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है और गेंदबाज तैयार होंगे। इस दफा एक बहुत बेहतरीन डिलीवरी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस शानदार युवा गेंदबाज की। आसिम आपके साथ रह रहे के मुझे भी हिंदी वर्डिंग याद होगी, युवा खिलाड़ी के पाकिस्तानी होने के नाते आकाश चोपड़ा ने एक दिन ने लाइव सेशन वो कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान चार रन आ जाएंगे, बेहतरीन चौका यहाँ पे। आकाश चोपड़ा ने सवाल पूछा गया था पाकिस्तान में आपको कौन कॉपी करता है और आपकी कौन सा ऐसा लड़का है कि जो कमेंट्री करता है आपकी तरह की कमेंट्री करते हुए, यकीन करिए। अच्छी गेंद यहाँ पर और इसी के साथ एक डॉट बॉल, पांच ओवर के खिताब पर 80 पर एक आउट दादा इसे कहते हैं। और ये शॉर्ट बॉल काफी अच्छे लाइन को कवर करके बड़ा छक्का यार सरमद हमीद के बल्ले से। अरे यार ये क्या लड़का है, कैच का साथ में शायद खान अफरीदी जैसा बड़ा नाम यहां पे होगा, लेकिन ये लड़का काम तमाम करने को तैयार है। बहुत बेहतरीन शॉट और ये चाचा पाकिस्तानी आप देख सकते हैं भंगड़ा डाल के एंजॉय करते हुए पट्टी पटेल। और ये ओ माय गॉडनेस बिग फिश हैज बीन कॉट, हसन पेंडा को जाना पड़ेगा। पिट पे मौजूद होंगे बट्टी पटेल लेफ्ट स्टेशन, ये साथ रहेगा और ये बेहतरीन पैगाम सरमद अमीद बनाम। बहुत ही खराब फील्डिंग यहां पर, जो भी फील्डर थे वो डेफिनेटली ये सिंगल होता और अब ये एडिड प्रेशर होगा इंडिया की साइड पर। आप देखें ये बॉल घूमती चली गई, इतने पावर से खेला था शॉट को। फैंस का शोर, पहला बॉल जाहिर का लिया और ये सिंगल, सिंगल के साथ आगाज किया है करते हैं। और ये अपील करेंगे लेकिन अपायर ने नकारा। बहुत उम्दा डिलीवरी थी, प्रेशर जरूर है पाकिस्तान का 102 रन का, लेकिन खुद स्टेडियम में पहुंचूंगा क्योंकि हमारे ब्रांड एम्बेसडर है शाहिद खान अफरीदी कल इंशाल्लाह यहां पे। उन्होंने तो ये भी ऐलान किया कि कल मैं एक सिंगल विकेट मैच खेलूंगा हमारे पाकिस्तान के जहीर कालिया और शाहिद खान अफरीदी। कल जहीर कालिया की तरफ बल्ला थोड़ा हल्का होगा और ये बिल्कुल उस्ताद जहीर कालिया को रिस्पेक्ट देते हुए बल्लेबाज फ्री बैटिंग करी थी, लेकिन अभी बल्ला रुके हुए। ये शॉट रहेगा और जहीर कालिया को पहला छक्का स्टेडियम के छत के ऊपर से गिरा है बाहर जाके, बेहतरीन आगाज यहां पे मैं कहूंगा, पहला छक्का आ चुका है। काफी शानदार शॉट है, हेलीकॉप्टर निकला है यहां पर जगत एयरलाइंस, देखिए जरूर कलिया कलाइयों में कितनी पावर होगी इनके, जितने क्लीन हिट किए मारा है उन्होंने, काफी शानदार नौ बिना किसी नुकसान के एक ओवर के इख्तिताम पर। काफी शानदार गेंद स्लो और यॉर्कर, और ये बहुत डिफिकल्ट गेंद होती है जिसे पिक करना। आपने सही कहा है और मैंने आपको पहले बताया है कि ये अच्छी गेंद यहाँ पे, शॉर्ट डिलीवरी काफी तीखी बाउंसर यहाँ पर कहूंगा और लीगल डिलीवरी, क्या परफेक्ट एग्जीक्यूशन है यहाँ पर ये सरदार हसनैन का। टॉप एज और यहां पे पहली सफलता हसन पेंडा, काफी शानदार गेंदबाजी यहां पर सरदार हसनैन की। और ये
बिल्कुल यहाँ पे जाना पड़ेगा, 200 विकेट।